बागपत में हाईटेंशन विद्युत लाइन से टकराकर कैंटर में लगी भीषण आग। कैंटर चालक की घटनास्थल पर हुई जलकर दर्दनाक मौत। कैंटर में सवार तीन अन्य लोग भी आग में झुलसे, हालत बनी नाजुक। जनपद में हाईटेंशन की विद्युत लाइन से टकराकर एक कैंटर में उस समय भीषण आग लग गई जब कैंटर हरियाणा के पानीपत से बागपत के सुरूरपुर में स्थित पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को लेने के लिए गया था। हादसे में कैंटर चालक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि कैंटर में सवार तीन अन्य लोग आग में झुलस गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र के सुरूरपुर कला गाँव का है, जहाँ शामले जनपद के कैराना निवासी राशिद हरियाणा के पानीपत से कैंटर लेकर सुरूरपुर के पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को लेने आया था। तभी उसका कैंटर पोल्ट्री फार्म के निकट से जा रहा हाई टेंशन विद्युत लाइन से टकरा गया, जिस कारण कैंटर में भीषण आग लग गई और कैंटर चालक राशिद की आग में झुलसने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि कैंटर में सवार सोनू, गुफरान और बुल्लू आग में झुलसने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक राशिद के शव का पचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी घायलों को बागपत जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। सभी घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस सुरूरपुर निवासी पोल्ट्री फार्म के मालिक यशपाल से पूछताछ कर पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। बागपत से सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। अच्छा सर, ओके जाओ।